एसएल मेडिकल कॉलेज में पिछले कई वर्षों से बच्चों की सर्जरी की जा रही है। सर्जरी के लिए मरीजों को किसी भी प्रकार का पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी न होने पर निजी क्षेत्रों में सर्जरी कराने के लिए लोग मजबूर हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में पिछले कई वर्षों से बच्चों की सर्जरी की जा रही है। सर्जरी के लिए मरीजों को किसी भी प्रकार का पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी न होने पर निजी क्षेत्रों में सर्जरी कराने को लोग मजबूर हैं। इस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी की शुरुआत 2003 में हुई थी, जब मैंने यहाँ एज अ पूल ऑफिसर ज्वाइन किया था, और तब से लेकर अब तक क्योंकि यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी की कोई एसएच फैकल्टी पोजीशन या डिपार्टमेंट नहीं था, तो जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में ही हम लोग पीडियाट्रिक सर्जरी का काम कर रहे थे। लेकिन अब जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, इनके प्रयासों से और शासन के प्रयासों से यहाँ पीएमएसवाई के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू की गई हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में पिछले कई वर्षों से बच्चों की सर्जरी की जा रही है, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज में निशुल्क है। बच्चों में सर्जिकल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं, और अनुमानित लगभग हर 100 बच्चों में से एक में सर्जिकल प्रॉब्लम, यानी कि मेजर सर्जिकल प्रॉब्लम, जिसको ऑपरेशन के जरिए ठीक किया जा सकता है, वो होती है। और पीडियाट्रिक सर्जन्स हमारे देश में बहुत कम हैं। पूरे देश में कुल मिला के 2000 भी पीडियाट्रिक सर्जन नहीं होंगे। बाकी सुपर स्पेशलिटी के मुकाबले ये थोड़ी सी नई ब्रांच है, इन द सेंस कि इसको पीडियाट्रिक सर्जरी को प्रोमिनेंस में आए हुए 25 से 30 साल हुए हैं, और धीरे 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 लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि ये सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी में। एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि ऐसे बच्चे जो जन्म से ही किसी प्रकार की विकृति के साथ पैदा होते हैं, या फिर पैदा होने के बाद कोई समस्या होती है, उन बच्चों की सर्जरी एसएन मेडिकल कॉलेज में की जाती है। बेसिकली पीडियाट्रिक सर्जरी में हम नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक के बच्चों की सभी प्रकार की सर्जिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करते हैं। इसमें जन्मजात जो डिफेक्ट्स होते हैं, विकार होते हैं, जैसे कई बच्चों में आहार नली का ना होना, या मलद्वार का ना होना, या रीढ़ की हड्डी में फोड़े होते हैं, सर में पानी होता है, फेफड़ों की, किडनी की समस्याएं, आंतों की समस्याएं, लिवर की समस्याएं, कई तरह की बच्चों में जो जन्मजात डिफेक्ट्स होते हैं, उन जन्मजात डिफेक्ट्स को हम डील करते हैं। इसके अलावा 18 साल तक के बच्चों में जो और बीमारियाँ होती हैं, उनका भी हम लोग इलाज करते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि सर्जरी के लिए सरकारी दरों पर ही यह ऑपरेशन किया जा रहा है। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।